क्या आप भी झाड़ू पुरानी हो जाने पे या खराब हो जाने पे फेंक देते हो? तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पुरानी झाड़ू का बहुत ही बढ़िया यूज शेयर करने वाली हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमारी झाड़ू खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं और नई झाड़ू खरीद के लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पुरानी झाड़ू का बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो आपने इससे पहले यूट्यूब पे कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको इस प्लास्टिक वाले हैंडल में से पूरी तिलियां निकाल लेनी है, मतलब आपको झाड़ू को पूरी तरह से खोल लेना है। इसे बनाने के लिए हमें लगने वाले हैं झाड़ू में लगे हुए ये प्लास्टिक के हैंडल। यहाँ पे मैंने 3 झाड़ू के हैंडल ले लिए हैं और उनको सेम साइज में कट कर लिया है। आप देख सकते हो इनकी साइज सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें सेम साइज में इन्हें कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीनों हैंडल को एक साइज में कट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ग्रे वाला सीमेंट है उसका बैटर तैयार कर लेना है और इसके हैंडल में इस तरह से भर देना है। तीनों हैंडल में भरने के बाद हमें इसे सूखने के लिए रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों हैंडल में जो मैंने सीमेंट भरा था वो सूख गया है। उसके बाद हमें इस तरह की कोई बकेट ले लेनी है। सिर्फ इतना याद रखना है कि उसका बेस पूरी तरह से प्लेन होना चाहिए, नहीं तो आप कोई दूसरी भी चीज़ ले सकते हो जिसका बेस इस तरह से प्लेन हो, और उसमें नारियल का ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। उसके बाद हमें व्हाइट सीमेंट ले लेना है और उसमें पानी डाल के हल्का मीडियम गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद जो हमने घोल बनाया है वो हमें बकेट में डाल देना है और बकेट को थोड़ा सा हिला के उस घोल को अच्छी तरह से बकेट में चारों ओर सेट कर देना है। इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका घोल अच्छे से सेट नहीं होगा और उसमें जो एयर बबल्स बने हैं वो भी निकलेंगे नहीं। उसके बाद हमें प्लास्टिक के तीनों हैंडल को ले लेना है और उसको इस बकेट में इस तरह से डाल दीजिए, और डालने के बाद ये हिले ना, इसलिए हमें इसे किसी चीज़ का सपोर्ट देके एक दिन के लिए ऐसे ही रख देना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और दूसरे दिन आपको इस तरह से उल्टा करके बकेट को इसे निकाल लेना है। और ये हमारा बिल्कुल कम खर्चे में बहुत ही सुंदर सा टेबल रेडी है। इसे आप घर को डेकोरेट करने के लिए किसी भी कॉर्नर में यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो इसके जो पैर है उसे किसी कलर से पेंट भी कर सकते हो, जैसे ब्लैक या गोल्डन कलर से आप इसे पेंट कर दोगे तो ये दिखने में और भी सुंदर लगेगा और कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये हमने पुराने झाड़ू से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा DIY टेबल वाला आइडिया कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो के लास्ट में मैंने इसे अपने घर में कैसे डेकोरेट किया है उसे भी शेयर किया है। उसके बाद हमने झाड़ू में से जो तिलियां निकाली थी उसको भी हम फेंकने वाले नहीं है, उसका भी एक बढ़िया रीयूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको सेम साइज की तिलियां अलग निकाल लेनी है और उसको एक साइज में कट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह का टिन कंटेनर ले लेना है, या आपके घर में अगर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हो, और उस पर ये जो तिलियाँ है वो 1x1 किसी ग्लूगन या फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दीजिए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हल्के से ब्लैक कलर और गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही यूज़ करोगे तो भी वो अच्छा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेट कर दोगे तो और सुंदर लगेगा। और ये हमारा वेस्ट मटेरियल से बहुत ही कम खर्च में बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप इसका यूज़ एज अ पेन होल्डर या स्पून होल्डर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका यूज़ एज अ प्लांटर किया है। आई होप दोस्तों आपको ये भी आइडिया पसंद आया हो। तो दोस्तों, मेरी झाड़ू से रिलेटेड दोनों DIY आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।